एक समय ऐसा था जब बिहार में नवजात शिशु और प्रसूति मृत्यु का दर राष्ट्रीय सूचक से भी ऊपर उठ चुका था। पर कुछ जरूरी और कार्यकारी सरल साधनों को अपनाकर न सिर्फ इस समस्या पर रोक लगाया जा सका है, बल्कि प्रसूति और नवजात शिशु के मृत्यु पर रोक लगाने की दिशा में बिहार ने पूरे देश के सामने एक मिसाल खड़ा किया है। पर कैसे घटी ये जादुई घटना, इसी बात को समझने की दिशा में एक यात्रा। ये है बिहार की राजधानी पटना। सदियों पहले बसा यह शहर आज भी जिंदा है। यही पटना कभी पुष्पपुरी, कुसुमपुर, पाटली और पाटलिपुत्र भी कहलाता था। ईसा पूर्व की शताब्दियों ने भी इस शहर का स्पर्श किया और इतिहास के हर दौर ने इसे अपनी डायरी में दर्ज रखा। 2011 की जनगणना के अनुसार इस शहर में 16 लाख से भी ज्यादा आबादी बसती है। तकरीबन 15 किलोमीटर लंबा और 7 किलोमीटर चौड़ा दायरा है इस शहर का। गंगा के दक्षिणी किनारे पर स्थित पटना एक स्मृति भी है और वर्तमान। हम अभी इस राजधानी की जुम्बेश और हरारत को महसूस करते हवा की तरह बस छूकर निकल रहे हैं इस शहर से, क्योंकि हमारी मंजिल तो वैशाली है जो पटना से 55 किलोमीटर दूर बसी है। यह जेपी सेतु पुल है, पटना को सोनपुर से जोड़ता है। गंगा इसके नीचे से बहती है, जिसमें लोग अहले सुबह नाव पर बैठकर नदी के साथ अपने आदिम रिश्ते को जीने चले आते हैं। सोनपुर से गुजरते हुए हम पहुंच गए हैं वैशाली। वैशाली जहां लोकतंत्र की पहली सुबह हुई, वैशाली जहां से सत्य और अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया में फैला, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध की स्मृतियां जहां के कण कण में समाहित है, वही वैशाली। ये तो हुई गौरवशाली इतिहास की बात वैशाली की, लेकिन वक्त के बदलाव के साथ वैशाली में कुछ ऐसी गंभीर समस्या आई जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। जहां हम बात कर रहे हैं शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर की, ये समस्या इस कदर यहां पर लोगों के सामने आई जिससे लोग काफी परेशान हो गए और उनकी चिंताएं बढ़ गई। सटीक संरचना का अभाव, नीम हकीम डॉक्टरों पर निर्भरता और सामाजिक जागरूकता के अभाव के कारण हालत गंभीर हो चुके थे। कई सालों से एक ऐसा एक मैल प्रैक्टिस शुरू हुआ है कि कुछ इंजेक्शन ऐसे आते हैं ऑक्सीटोसिन, जिससे प्रसव की पीड़ा जल्दी, उसमें जल्दबाजी की जा सकती है। अगर ऑक्सीटोसिन दे दिया तो प्रसव जल्दी से हो जाता है। तो ये ऑक्सीटोसिन देकर जल्दी प्रसव करवाना, इसका लोगों से डिमांड भी आता है और कई जगहों पे जो अनट्रेन्ड डॉक्टर्स होते हैं या नर्स होते हैं वो दे भी देते हैं।
इससे बच्चे को जो थोड़ी ही देर में जो बच्चे को धक्का मार के निकल जाना निकाल दिया जाता है माँ के गर्भ में से, तो उसके वजह से बच्चे को काफी नुकसान होता है. वी आर फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ आई थिंक अ वेरी लॉन्ग अंडर फंडिंग इन पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स. हिस्टोरिकली वी हैव हैड दैट. देन आई गेस समथिंग हैपेंड इन 2005. नेशनल हेल्थ मिशन केम इन विद द express intent to strengthen and the public health delivery care services. And I think 2005 Bihar also got a new government. सरकारी प्रयासों, चाहे भारत सरकार हो या फिर बिहार सरकार हो, इनके प्रयास से यहाँ पर इसमें बदलाव देखने को मिला और काफी अच्छा सकारात्मक परिणाम यहाँ पर सामने आया. और ये जो समस्या थी इसमें काफी कमी आई है. शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में जो इस वक्त जो ताजे आंकड़े हैं उस पर अगर हम गौर करेंगे तो काफी कमी आई है. आशा कर्मी, आंगनवाड़ी कर्मी, गर्भवती माँ एवं उसके परिवार तथा स्थानीय प्रखंड अस्पताल के डॉक्टर और नर्स के बीच बेहतरीन समन्वय और नियमित संपर्क के सहारे वैशाली जिले में गर्भवती, प्रसूति और नवजात की मृत्यु दर में असर दर और उल्लेखनीय कमी लाना संभव हुआ. और इस दिशा में केंद्र और बिहार सरकार के यूनिसेफ तथा केयर संस्था संयुक्त रूप से सहायता और नेतृत्व प्रदान की. नाम अलग हो सकते हैं, चेहरे भी, लेकिन भरोसा हर जगह एक ही, जिसका नाम है आशा. दो लफ्जों का ये नाम, लेकिन उम्मीद धरती इतनी बड़ी. गांव में जब किसी घर में गर्भवती महिला के कारण खुशियां आती है तो पहुंच जाती हैं आशा दीदी उन खुशियों की सुरक्षा के लिए. पता है कैसे रखने के लिए बच्चा को? कंगारू में साट के रखना चाहिए. दूध पिलाने के लिए कहे थे. कितने अंतराल पर? कई घंटा पर. दो दो घंटा पर. दो दो घंटा पर पिलाना चाहिए. आशाओं के द्वारा गांव में अपने क्षेत्र में 1000 पर एक आशा होती है, उसके माध्यम से काफी जागरूकता लाई गई है. इसी का परिणाम है कि मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है. मेरा नाम उषा कुमारी है, मैं गांव की आशा हूं. आप लोग के बता रहे हैं जो कोई गर्भवती महिला हो उसको प्रसव के पहले ये सब तैयार करना है. गर्भवती तत्काल प्रसूति और नवजात की स्वस्थ की प्राथमिक स्तर की देखरेख तथा रखवाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सामुदायिक सदस्य आशा कर्मियों द्वारा की जाती है. आशा का नंबर है, जैसे मेरा नंबर हुआ. विश्व स्वास्थ्य संस्था के दिशा निर्देश के अनुसार नवजात के जन्म के बाद कम से कम 6 महीने तक उन्हें माँ का दूध पिलाना अत्यंत जरूरी होता है. आशा कर्मीगण घर घर घूमकर माताओं को स्तनपान की उपयोगिता के बारे में समझाते हैं. इसके अलावा आशा कर्मीगण अग्रिम गर्भवतियों को लेकर अस्पताल जाते हैं और जरूरत होने से उनके साथ अस्पताल में रहते भी हैं. नवजात शिशु अचानक अस्वस्थ होने से आशा कर्मीगण ही सबसे पहले सहायता के लिए पहुंचते हैं. इसके साथ साथ हम लोग ट्रैकिंग भी करते हैं नवजात शिशु का, जैसे फोन से आशा को और ममता को वहाँ सूचना दी जाती है कि ये बच्चा वीक है, इसको देखभाल करे. इनके प्रत्यक्ष सहायता के चलते ही गर्भवती तत्काल प्रसूति और नवजात की स्वस्थ की उचित देखभाल एवं मृत्यु दर में कमी लाना संभव हुआ. गांव का ये मामला कुछ ऐसा है जिसने इस मिथक को तोड़ा है कि प्राइवेट अस्पताल ही एकमात्र विकल्प है. यहाँ की तस्वीर इस मायने में थोड़ी अलग है कि प्राइवेट अस्पताल से निराश महिला को राहत पीएचसी में ही मिली है और इसमें बड़ी भूमिका आशा दीदी की है. पच्चीस जून को 12 बजे रात में हमारे पुत्रों का अचानक दर्द हुआ. बच्चा पैदा लिया तो वजन कम था, 1 किलो 27 ग्राम. तो हम लोग घबरा गए. उसी में से नर्स जो है वो बोले कि नहीं नहीं हाजीपुर हॉस्पिटल में जाइए, बहुत सहूलियत मिलेगा.
और इलाज भी अच्छा ढंग से होगा। हम लोग हाजीपुर हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ अच्छा तरह से हम लोग का सहूलियत मिला, बच्चा का इलाज भी हुआ, चार दिन हम लोग रखे। बिहार में जितने भी ICDS केंद्र हैं वो सरकारी सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रसूति और शिशु मृत्यु रोध के लिए बृहद पैमाने में चलाए जा रहे इस विशाल योजना में आशा, आंगनवाड़ी कर्मियों एवं ANM दीदी की बेहद असरदार भूमिका है। ANM के सहयोग से आशा एवं आंगनवाड़ी कर्मी सप्ताह के हर बुधवार व शुक्रवार को स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र पर ग्रामीण स्वच्छता एवं पोषण दिवस का आयोजन करते हैं। दी, आपका BP तो ठीक है, अब आप माँ बनने वाली हैं, दो एक जान से दो जान होने वाली हैं। इस सत्र में प्रशिक्षित नर्स भी उपस्थित रहते हैं। ग्रामीण स्वस्थ सचेतना एवं पोषण दिवस के दौरान गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व जांच भी की जाती है और साथ ही चिकित्सा संबंधी जरूरी परामर्श भी दी जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से उपलब्ध कौन सी भोजन सामग्री से जरूरी कैलोरी प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। दो बच्चों के जन्म के बीच अंतराल के बारे में भी जानकारी दी जाती है। दीदी, आपको कितना बच्चा है पहले से? एक बच्चा, ये दूसरा है। तो फिर आप क्या चाहेंगे, बच्चा बंद करवाना है कि आपको दवाई इस्तेमाल करना है, आप क्या चाह रहे? मेरे पास तो माला एन होगा, टैबलेट है और कोपर्टी आप लगा सकती है। नवजात शिशु के नियमित टीकाकरण आंगनवाड़ी केंद्र में ही किया जाता है। हम लोग ने इवॉल्व किया है क्विक रेफरल सिस्टम, ताकि जिस मरीज को जहां जरूरत है वो इमीडिएटली पहुंच सके। और रेफरल को हमने सोशल मीडिया से उसको टैग किया, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया। मरीज अगर बाहर से रेफर होती है तो इमीडिएटली हम लोग को पता चल जाता है, सो दैट कि यहां पर क्विक रिस्पांस टीम बनाया गया। वैशाली की जो ये तस्वीर बदली है उसमें भगवानपुर स्वास्थ्य केंद्र का बड़ा ही योगदान है। यहाँ की आशा दीदी, ANM और जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं, उनके लगातार प्रयास और उनके प्रयासों में दिखने वाला संकल्प इस बेहतरीन तस्वीर को सामने लाया है। भगवानपुर प्रखंड अस्पताल से सभी अग्रिम अवस्था के गर्भवतियों से नियमित रूप से संपर्क किया जाता है। हाँ जी, आई थी आशा दीदी। बोले क्या, आपका बच्चा को जो आप दूध पिला रहे हैं वो दूध कौन सा दूध पिलाते हैं? अपना दूध पिलाते हैं। कितने बार पिलाते हैं? प्रशिक्षित नर्स द्वारा प्रसूति और नवजात की स्वस्थ की पूरी जानकारी ली जाती है। कठिन परिस्थितियों में उन्हें सदर अस्पताल भेजा जाता है। माँ जो भी आती है हमारे यहाँ, उसको कैटेगराइज किया जाता है कि वो किस अवस्था में वो मरीज है, उसको किस चीज की आवश्यकता है, उसको तुरंत वेट करने की जरूरत है या फिर इमीडिएट उसको लेबर रूम यानी कि प्रसव कक्ष में जाने की जरूरत है, या उसे ऑपरेशन की जरूरत है, या उसे घर जाने की जरूरत है, उसी के हिसाब से उसको हम लोग मैनेज करने लगे। इसके अलावा यहाँ पर नर्सों को एक विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, अमानत ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग प्रसव के दौरान होने वाली दिक्कतों पर त्वरित रूप से कैसे काबू पाया जाए इसको बताता है। अमानत है आपातकालीन मातृत्व एवं नवजात तत्परता, उस पर काम किया गया। इसकी ट्रेनिंग सभी को दी गई और उसमें दिया गया कि PPH का कारण यानी कि अत्यधिक रक्तस्राव का कारण को ढूंढा गया और यह पता चला हम लोग को कि थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा था। उसमें एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर पर सभी की ट्रेनिंग दी गई, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी गई और उसके वजह से
ये इसको हम लोग थोड़ा कम कर पाए। हर घर को इंतजार होता है एक नवजात शिशु का। जैसे ही नवजात शिशु का जन्म होता है घर में खुशियां और रौनक फैल जाती है, लेकिन यही खुशियां और रौनक अगर जन्म लेते के साथ ही अस्पताल का मेहमान बन जाए तो क्या। अगर शिशु के जन्म के समय कोई दिक्कत होती या फिर अस्वस्थ हो जाते हैं तो उस अवस्था में कुछ खास तरीकों से शिशु की देखभाल करना पड़ता है। इसलिए राज्य के सभी जिला अस्पताल में अस्वस्थ नवजात शिशु देखभाल केंद्र खोला गया है। बर्थ एस्फिक्सिया के कारण लगभग 70-80% बच्चों की मौत हो जाती थी। अविलंब जो उनको ऑक्सीजन चाहिए, उनकी श्वास नली को क्लियरेंस की बात होती है, वो कंसेप्शन नहीं रहने के कारण 70-80% बच्चे एसेंस हॉस्पिटल में पहुंच ही नहीं पाते थे। एसेंस के खुलने से इस सब डेथ रेट में बहुत सारी कमी आई है। हम समझते हैं कि इसका और भी फर्दर इम्प्रूवमेंट होगा। यहाँ का एसेंस बिहार का पहला एसेंस है जिसको यूनिसेफ ने एस्टेब्लिश किया था और निरंतर आज तक इम्प्रूव करते जा रहा है। इन केंद्रों में अस्वस्थ शिशुओं की विशेष देखभाल की व्यवस्था एवं चिकित्सा के सभी आधुनिक उपकरणों का बंदोबस्त है और यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे हर तरह के हम लोग को सदर हॉस्पिटल के तरफ से सारी दवाइयाँ उपलब्ध है। कोई भी पेशेंट के अटेंडेंट को बाहर से कोई दवा लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पे हर तरह की अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही माताओं को नवजात के लिए कंगारू मदर केयर यानी नवजात को अपनी छाती से लगाकर गर्म रखने की परामर्श और शिक्षण दी जाती है। माताओं को ये भी बताया जाता है कि प्रसव के बाद जब वे घर वापस जाते हैं तो नवजात को दिन में कम से कम 3 बार कंगारू मदर केयर करना है और हर 2 घंटे में नवजात को साफ सफाई करना है। बच्चे को केएमसी देना हमें नर्स ने बताया है। केएमसी का फुल फॉर्म है कंगारू मदर केयर और इसको मतलब कि देने से बच्चे का वजन बढ़ता है। मेरे बच्चे का वजन 2 किलो था लेकिन ये दिन में 3 बार हमें दूध पिलाने के लिए बुलाया जाता है और मतलब दूध पिलाने से पहले इसको बेसिन में वो हैंड वॉश रखा हुआ है, उससे अच्छी तरह से हाथ धोकर बच्चे को फिर ये ड्रेस पहनकर बच्चे को अच्छी तरह से दूध पिलाने के लिए हमें अच्छे समय मिलता है। 2-2 घंटे को दूध पिलाने के लिए आते हैं और इससे अपने बच्चे से भी मिल लेते हैं और इसको अपना कंगारू फीलिंग भी दे देते हैं और हमारा बच्चा का वजन बढ़ गया है इससे और बच्चा हमारा स्वस्थ है। ऐसे जो समय से पहले आने वाले या बहुत कम वजन वाले जो बच्चे होते हैं उनको अगर इतना ही किया, साफ रखा, माँ का दूध बार बार पिलाते रहे और गर्म रखा, तो इनमें से जितने मरते थे बच्चे उनमें से करीब करीब 80% बचाए गए। यानी सिर्फ पहले मान लो 100 मरते थे तो अब सिर्फ 20 मरते हैं इतना ट्रीटमेंट देने के बाद। कहानी को नजदीक से जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं भगवानपुर के करहरी गांव में। और करहरी गांव में एक ऐसा परिवार है जहां पर एक बच्चे का जन्म हुआ था और जन्म के समय इसका वजन 2 केजी से कम था। भगवानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करहरी गांव के पूजा देवी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के समय बच्चे का वजन सिर्फ 1 किलो 970 ग्राम था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर, नर्स और आशा आंगनवाड़ी कर्मी दल ने उस बच्चे को नया जीवन दान दिया। तो आपका तो बउआ कम वजन का था जी, तो ये सब किए जी? किए थे। कैसे कहे बच्चा को कैसे रखने के लिए बोले? हम भी बताए थे या वहाँ भी बताए हैं, कैसे कहे? करेजा में साट के रखने थे। कैसे?
कंगारू मदर की तरह करेजा में साट करके बच्चा को ब्लाउज को बटन खोल करके कोई के आप रखिए या मम्मी रखे चाहे दीदी रखे चाहे देवर जी रखे सब वैसे ही रखेगा। नहीं कुछ नहीं दिक्कत। बोले क्या यहाँ पे दीदी लोग जो बताई थी कि आपको कपड़े में लपेट के रखना है तो करते हैं? जी करते हैं। करते हैं कोई दिक्कत उससे होता है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, नहीं। बोले क्या बच्चे का वजन हुआ है? जी हुआ थे। कितना वजन है अभी बच्चे का? 2 किलो 200 हुए थे। इसी गांव की एक गर्भवती महिला के पति बच्चे के जन्म के वक्त अपने काम के सिलसिले में राज्य से बाहर थे, पर आशा कर्मी डॉक्टर और नर्स के सहायता से उस महिला का प्रसव ठीक ठाक हो गया। बहू के जब बउआ के जन्म होल अथी भेल त आशा दीदी के लेके गेली त वहीं पर बस डॉक्टर साहब कहलन की जे कैसे रहेगा वो बच्चा या कैसे अथी करेगा, त हम कहलिन डॉक्टर साहब की जे आपको नहीं है केउ त बेटा नहीं है त आप अथी कर सकते हैं कि जे अकेले हम अपने सब कुछ दिखने लगे। देयर हैव बीन सम स्पेक्टेकुलर सक्सेसेस, some successes that again are unprecedented in terms of the scale that they're reaching. There have been innovations that have been developed that are improving the situation here in Bihar but beyond into other states in India and now being taken to other parts of the world. Public ka confidence government system pe bada, government ke hospital pe bada. Jadi चूंकि ये सीधा जान से जुड़ा हुआ विषय होता है, जीवन से जुड़ा हुआ विषय होता है, और आम जन को यदि विश्वास नहीं होगा कि अस्पताल में जाने से मेरे या मेरे परिवार की जान की रक्षा और सुरक्षा हो सकती है तो कोई सरकारी अस्पताल में नहीं आएगा। और सरकारी अस्पताल में आने की संख्या इतनी इसलिए बढ़ी कि लोगों के अंदर हमारे नेतृत्व ने विश्वास पैदा किया, हमारे काम ने विश्वास पैदा किया। वैशाली जिसने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ सबसे पहले पढ़ाया आज एक बार फिर से पथ प्रदर्शक बना हुआ है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में आई कमी एक अच्छी उपलब्धि यहां पर मानी जा रही है। सरकारी मशीनरी, केयर इंडिया और आशा दीदी की कोशिश आसमान को केवल छूने की नहीं बल्कि उसे चांद और सितारों के साथ जमीन पर उतारने की कशिश भर पैदा करती है।